हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्री स्कूल चिल्ड्रन। जो पहला टॉपिक था हमारा वो था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था, जिसे हमने कहा था इन्फेंसी, यानी कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी हमने पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम 1 वर्ष से आगे की अवस्था को पढ़ेंगे। जैसे 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें किस प्रकार का आहार बालक को दिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली अवस्था थी, जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था थी, उसमें हमने बच्चे को शिशु कहकर संबोधित किया था। लेकिन जो 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था है उसमें हम शिशु नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बाल्यावस्था है और बाल्यावस्था में बच्चा प्रवेश कर रहा है 1 वर्ष से, तो उसको हम बालक कहकर संबोधित करेंगे, यानी कि अब हम उसको बालक कहेंगे। पहले शिशु और अब 1 वर्ष से 5 वर्ष तक बालक कहा जाता है। तो इसमें इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में प्रवेश करता है 1 वर्ष से, तो इसलिए इसको पूर्व बाल्यावस्था तो कहा जाता है, इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। हर लोग के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है, ये कहा है हर लोग ने। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिस प्रकार से एक जन्म से लेके 1 वर्ष तक के शिशु की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उस टाइम पर उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, यानी कि उस अवस्था में वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार से इस अवस्था में भी, जो कि 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था है, इस अवस्था में भी मानसिक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और परंतु इस अवस्था में साथ ही साथ संवेगात्मक विकास भी तीव्र गति से होता है, यानी कि संवेगात्मक क्रियाएं भी बच्चा करना सीखता है इस अवस्था में। तो इस प्रकार से इसकी कुछ ये विशेषताएं होती हैं। इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि बच्चा जो है सभी का आकर्षण का केंद्र बना होता है इस दौरान, यानी कि आपने देखा होगा बच्चे कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं कि सब लोग खींचते हैं उस बालक की तरफ को, राइट। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो करना शुरू करता है बच्चा इस अवस्था में, और इस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, यानी कि वो पूरा दिन इधर से उधर कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील इस अवस्था में बच्चा होता है। और अधिक क्रियाशीलता के कारण उसे क्या होता है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये दो विशेषताएं भी इसमें हो सकती हैं कि क्रियाशील होता है बच्चा और भूख बहुत ज़्यादा उसको लगती है। दूध पीना ज़्यादा पसंद नहीं करता है इस अवस्था में, बच्चे को खट्टी मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और बहुत मीठी मीठी सी बातें करता है। और एक विशेषता और है इसकी जो कि महत्वपूर्ण है, कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो नर्सरी स्कूल में जाता है, यानी कि हम कहेंगे से प्री स्कूल चिल्ड्रन, जैसे रखा लिखा है कि प्री स्कूल यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि स्कूल से जो पहली अवस्था होती है वो, यानी कि स्कूल तो नहीं जाता लेकिन जो नर्सरी होता है, नर्सरी को क्या कहते हैं, किंडर गार्डन कहते हैं। किंडर गार्डन जो होता है उसमें खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाता है, यानी कि जो बुक्स है उससे नहीं सिखाया जाता है, खेल खेल की क्रियाओं में बच्चे को सिखाया जाता है, जिन्हें हम प्ले स्कूल्स कहते हैं। जो क्या होते हैं जो किंडर गार्डन होते हैं उसमें बच्चा जाता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था यह अवस्था बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा बच्चा इसमें क्रियाशील रहता है, बच्चे को ज़्यादा लगती है और बच्चे का शारीरिक